दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। टिप्स पे दोस्तों से बात करने जा रहे हैं, नोटबुक बनाने का बिजनेस शुरू कर, कैसे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, कैसे ये बिजनेस होगा। आगे बढ़ने पर दोस्तों बता दो, स्टार्ट में से हमें कहीं ऑलरेडी जा चाहते हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्या क्या इसका प्रोसेस है ये सब जानने के लिए वीडियो के देखते रहिए। दोस्तों आज हम इस आइडिया नहीं बल्कि एक रियलिटी की बात करें, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है। दोस्तों अगर आप एक अच्छा बिजनेस पहले साल से ही अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो ये सही समय है। अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर तो शुरू होगा ही, लेकिन साथ ही अप्रैल से नया एजुकेशनल ईयर भी शुरू होगा। दोस्तों यदि आप एजुकेशन से जुड़ा बिजनेस अप्रैल से पहले ही शुरू कर देते हैं तो अप्रैल शुरू होते ही आपको अच्छा खासा रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। ऐसे बिजनेस को सरकार की योजनाओं के तहत लोन भी आसानी से मिल जाते हैं, जिस कारण आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी यदि आप मार्च में यह बिजनेस शुरू करते हैं तो एक माह में आप अपना बिजनेस अच्छी तरह से जमा सकते हैं। इस एक माह के दौरान आप अपना नेटवर्क भी खड़ा कर सकते हैं और अच्छी खासी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ताकि डिमांड होने पर आपके पास नोटबुक की कमी ना हो जाए। दोस्तों वैसे तो नोटबुक की डिमांड पूरे साल बनी रहती है। दोस्तों अगर आप नोटबुक का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 4 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। इसके बाद आप मुद्रा स्कीम के तहत बैंकों से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सरकार द्वारा तैयार की हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक आप 9 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल लोन और 3,50,000 रुपए टर्म लोन ले सकते हैं। इस तरह आप लगभग 16,50,000 रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वैसे अब सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, जिस कारण रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ही आसान हो गया है। इसके बाद आपको मशीनरी खरीदनी होगी, एक पेपर कटिंग मशीन। नोटबुक बनाने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है स्टिचिंग मशीन का। स्टिचिंग मशीन कॉपी में पिन लगाने का काम करती है। स्टिचिंग मशीन से कॉपी में स्टेपल लगा दिए जाते हैं, इस तरह से आपकी कॉपी में पिन लग जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है एज स्क्वेयरिंग मशीन का। अब इस स्टेपल हुए नोटबुक को एज स्क्वेयरिंग मशीन में ले जाया जाता है। इस मशीन की मदद से कॉपी में फिनिशिंग आती है और उसकी एज स्क्वेयर हो जाती है, और जब आप कॉपी के मशीन में डालेंगे तो आप देखेंगे कि कॉपी का एज कैसे स्क्वेयर में बदल जाता है और इसकी फिनिशिंग आप अपने आप हो जाती है। एज स्क्वेयरिंग मशीन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कटर मशीन, और जिसे पेपर कटिंग मशीन भी कहा जाता है।
तो जो कॉपी तैयार हुई है हमारे स्टिचिंग होने के बाद और स्क्वायरिंग होने के बाद, ये कटर मशीन में लगा देते हैं और साइज सेट कर देते हैं जो से साइज का हमको नोटबुक काटना है, और उसी साइज का हम सेट कर देते हैं। इन मशीन की मदद से नोटबुक बनकर तैयार हो जाती है। तो नोटबुक का प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप था स्टिचिंग मशीन, फिर था एज स्क्वेयरिंग मशीन, और फिर पेपर कटिंग मशीन था। इन तीनों मशीन से हमारी नोटबुक पूरी बनकर तैयार हो जाती है। इसके अलावा ऑटोमेटिक बाइंडिंग मशीन, इस तरह आप कुल 3,90,000 रुपए में सारी मशीनरी खरीद सकते हैं। इन सब के अलावा आपको लगभग 50,000 रुपए का फर्नीचर भी खरीदना होगा। इसके साथ साथ आपको नोटबुक बनाने के लिए 3,50,000 रुपए का रॉ मटेरियल भी लेना होगा, जिसमें पेपर, कवर पेज, जूट वाइन, आयरन वायर, वाइट पाउडर और कपड़ा भी शामिल है। आप इतनी लागत में 2,00,000 नोटबुक, 40,000 रिकॉर्ड बुक और 40,000 नोटपैड तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आप 150 पेज की नोटबुक की होलसेल कीमत 22 रुपये 5 पैसे और 100 पेज वाली रिकॉर्ड बुक की कीमत 32 रुपये और 50 पेज की नोटपैड की कीमत 3 रुपये रख सकते हैं। यदि आप 1 साल में ये सब बेच देते हैं तो आपको सारे खर्च निकालने के बाद लगभग 7,20,000 रुपये का मुनाफा होगा, जो हर साल बढ़ता जाएगा क्योंकि पहले साल में मशीनों का खर्च भी तो जोड़ा गया है। और बिक्री की बात करें तो आप बड़े बड़े होलसेलर से संपर्क करके अपना माल आसानी से बेच सकते हैं, या आप स्कूलों और गवर्नमेंट स्कूलों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप अपना माल बेच सकते हैं और एक अच्छे बिजनेस के साथ साथ अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। बाकी सब हम जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया, लाइक से कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस के अपलोड होने से आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।